एक बार और देख सकते हैं आप ये फार्म, ये बच्चे हैं इनके, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के बच्चे हैं और बहुत ही क्यूट हैं। इन गायों को काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है इतने कंजस्टेड एरिया में, और काफ़ी खुश हैं। सारे गाय बहुत अच्छी लग रही हैं। खाने के लिए भी इनको काफ़ी कुछ दिया जाता है, ये देख सकते हैं। ये फार्म पे काफ़ी कुछ देखने को मिला है, जहाँ पे लोग जो हैं बोलते हैं गायों को नहीं पालना चाहिए, इतने प्यार करते हैं गाय इंसान से। और ये देखिए मुर्गी भी इन्होंने पाल रखा है, जो कीड़े होते हैं उसको ये खा जाती है। और ये फार्म पे काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड की जो गायें हैं सब आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर गायें हैं। और ये सारी गायों का मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से, हरा घास भी दिया जाता है, खल्ली का अभाव है। काफ़ी पुराना फार्म है, यहाँ बहुत दिनों से गायों को पाला जाता है। दोस्तों इनका अडर क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, और इन गायों का मिल्क कैपेसिटी अच्छा है, बहुत बेहतर है और शानदार गायें हैं। आप लोग भी गाय पालन में रुचि रखते हैं तो आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। काफ़ी छोटी गायें हैं लेकिन काफ़ी शानदार हैं सब, बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं सब। गाय बैठी हुई है देख सकते हैं, काफ़ी शानदार अलग तरह की किस्म की गायें हैं। अच्छा, ये गायें जो हैं करीब फार्म 20 साल पुराना लग रहा है, और समथिंग 20 साल से फार्म किया जाता है। और बहुत क्या कहना चाह रहे हैं आप, कितने सालों से इस काम में जुड़े हुए हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? साल हो गए, 60 साल। आपको कैसा महसूस होता है काम करके गायों के साथ? गाय में सारे देवी देवता या भगवान भी वास करते हैं, तो बोलते हैं गाय पालना, एक समय कृष्ण भगवान ने भी गौ का सेवा किया है। तो आपको क्या महसूस होता है इन गायों के साथ काम करके? अपन कमाते हैं, खाते हैं, बस यही महसूस है। अच्छा, और आपको ऐसा महसूस होता है ये काम बहुत अच्छा है, या लोगों को ये काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए? गाय कम होती जा रही है आजकल, लोग गाय कम पालते हैं, दूध सभी को चाहिए, दूध पूरा नहीं हो रहा है भारत में और डुप्लीकेट दूध बनने लगे हैं। तो लोग जब इसको करेगा नहीं तो दूध उत्पादन कम होगा, फिर लोगों को कैसे दूध पहुँच पाएगा? सभी लोगों को दूध नहीं मिल पाता है, तो क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए या नहीं? अब करना चाहिए, अब जब दूध नहीं मिलता है सभी लोगों को तो रखने में तो भी बहुत ना दिलचारी है भाई। दुनिया का गाय रख लेगा, करने वाला भाई नहीं, दुनिया तक के बोला। अच्छा, तो अगर अगर आप इसमें कितने साल, 30 साल से काम कर रहे हैं गायों के साथ? 60 बरिस हो गए। 60 बरिस से कर रहे हैं, एज हो गया 85 साल के हैं समझ सकते हैं, और इनका 60 बरिस से काम कर रहे हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कैसा जो है गाय जो है, पहले से ही आप इतना अच्छा गाय रखते थे या अभी कुछ दिनों से इसमें इतने अच्छे? पहले नहीं रखे थे, पहले मैंने छोटा छोटा रहा लोकल गाय। हाँ। अच्छा, तो बाद में फिर अब 1 किलो 1.5 किलो दूध वाला गाय से पोष नहीं खाता रहा, इसीलिए मतलब दमकस गाय खरीद लिया। अच्छा, फिर इन्होंने जो है क्रॉस ब्रीड की गाय लाई और काफ़ी अच्छा इनको रिजल्ट मिला है। और आप ये काम करके लोगों को क्या राय देना चाहते हैं, सलाह क्या देना चाहते हैं गायों के प्रति? अब गाय रखने वाले के तो भाई रखेगा तो मतलब अच्छा ही है, अपना बिजनेस करेगा तो बढ़िया है, इतने में तो खटनी जगह है, समझ गए। अब पहले के ज़माना में कोई नौकरी का वैल्यू नहीं रहा, अभी तो नौकरी का वैल्यू है, गाय लोगों का कौन वैल्यू है? नहीं, गाय का वैल्यू है, आप ऐसे फॉर्म करेंगे तो लोग जरूर इसमें आगे आएगा। अब तो मशीन का भी इस्तेमाल होने लगा है, वो
अब धुलाई करना है गाय को तो सब मशीनें तुरंत भर में धो देगी, दूहना है तो मशीने से तुरंत दुहा जाता है। अब आपको गाय कुछ भी करना है तो बहुत जल्दी काम सारा हो जाता है। भर लीजिए वो बड़ा कर लीजिए, दूध वाला गाय है 30 किलो, वो सब गाय को 3 किलो है। अब जो 4-5 किलो दूध देता है उसको मशीन से हमारी आदमी लोग पढ़ा लिखा के आदमी के लिए मशीन नहीं है। तो मशीन में अगर थोड़ा भी लेकिन आया आधा किलो 3 पौवा दूध रहेगा तो उसको बंद कर दीजिए मशीन, हाथ से टांग दीजिए, नहीं तो वो खून भी टांग लेगा। अच्छा मशीन मतलब जानकारी का है, जानकारी होना चाहिए मशीन को पालने के लिए लोग। वो तो हमको मालूम है मशीन का, हम तो जयरामपुर में जा कर के देखा है ना, जयरामपुर में तो टीचर मतलब रह गया कि 3 लाख का गाय दूठो मंगाया, 3 ठो मंगाया बिहार से आया। और वही देखने के लिए हम लोग गाय के पास में तो 3 गाय के पास में तो आपको धर लीजिए कि 150 लीटर दूध रहा। और मशीन से दूहते थे, चारों तरफ दीवार के मच्छरदानी लगा देते हैं और गाय गड्ढा खोन करके देते थे, ऊपर तख्ता रख देते और गाय को धक्का मार करके और ले आके गड्ढे के लग में कर देते हैं और मशीन लगा देते हैं, बाल्टी गड्ढा में रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। ओके।